देखिए, सबसे पहले तो बारहसिंह देहरादून की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं कि उन्होंने हमारे मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का पद ग्रहण किया है। इसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। पूरे अधिवक्ता समाज उन्हें बधाई देता है इस बात की। अब हम लोग इस बात से प्रसन्न हैं और भविष्य की ओर देखते हुए कि जो हम अधिवक्ताओं को जो परेशानियां हो रही हैं और खासकर जो जिला अदालतों में माननीय कि सर्वोच्च न्यायालय में जो अधिवक्ता विधि व्यवसाय कर रहे हैं उनकी समस्याएं इस प्रकार की नहीं है। जो उच्च न्यायालय में कर माननीय उच्च न्यायालय में जो अधिवक्ता विधि व्यवसाय कर रहा है उन्होंने भी इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जिला स्तर पर जिस तरीके से जो परेशानियों का सामना हम अधिवक्ता समाज को करना पड़ रहा है वो बड़ा एक चिंतनीय विषय है। और हम तो अब ये भी मांग रखेंगे कि हिंदी जब राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए संविधान में लिखा हुआ था, तो अब हम ये भी एक अनुरोध करना चाहेंगे कि हिंदी में माननीय उच्च न्यायालय हो चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय हो वहाँ पे हिंदी में विधि व्यवसाय की भी छूट मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से जिला स्तर पे जिला अदालतों में कोई अधिवक्ता हमारा बहुत जानकार है कानून के मामले में, तो उन्हें भी वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिलना चाहिए। जिस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय में या माननीय उच्चतम न्यायालय में है कि इतने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उन्हें जो है वरिष्ठ अधिवक्ता से नवाजा जाएगा। जिला अदालतों में भी बहुत सारे अधिवक्ता हैं हमारे जिन्हें बहुत अत्यधिक जानकारी है, चाहे संविधान के बारे में हो चाहे पूरे कानून के बारे में। उन लोगों का भी सम्मान होना चाहिए, कम से कम उन लोगों को भी जो है वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिलना चाहिए। फिर एक समस्या सबसे बड़ी बात आती है कि एक फर्क जहाँ दिखाई देता है कि किसी भी महिला न्यायिक अधिकारी के अगर उसे मातृत्व सुख मिलता है तो वो 1 साल की छुट्टी भी ले सकती हैं, लेकिन अगर किसी महिला अधिवक्ता को मातृत्व सुख मिलता है तो उसे उसे 10 दिन की तारीख लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे तारीखें नहीं मिल पाती। तो ये भी काफ़ी सारे गंभीर जो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे आज जरूरत है। आज जिस तरीके से पहले ये था कि पीसीएसजे में जो न्यायिक अधिकारी निकलते थे उनका 3 वर्ष का अनुभव मांगते थे, लेकिन आज वो चीज़ें खत्म कर दी गई है। आज तो हमने अभी विधि में विधि परीक्षा उत्तीर्ण करी, कल कोई पीसीएसजे की परीक्षा आई और हमने वो परीक्षा उत्तीर्ण करी और हम पीसीएसजे के अधिकारी बन जाते। तो उन्हें अधिवक्ताओं के दर्द के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता चलता, और जो राजा और प्रजा के बीच की दूरी जो निरंतर बढ़ती जा रही है कि अपने को वो राजा समझते हैं और हमें वो प्रजा समझते हैं, वो जो दूरी बढ़ती जा रही है उसका भी एक कारण ये है। बहुत सारी समस्याएं तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम बारहसिंह देहरादून हमारे सचिव साहब और हम लोग इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय में हो सकता है कि हम पीआईएल दाखिल करें कि जो अधिवक्ताओं को समस्या हो रही है। और बधाई के पात्र हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश जो पदभार संभाल रहे हैं और उनसे बड़ी अपेक्षा करते हैं, और ये भी मेरा वो रहेगा कि हम ये सोचते हैं कि वो हमारी जो अपेक्षा है उन पर खरा जरूर उतरेंगे, इतना मुझे विश्वास है।